हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबरों की सीधी रफ्तार से भरी हुई कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर अपराधियों का हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं कि घर के सामने खड़ी हुई पांच बाइकों को आके हवाले कर दिया, एक युवक पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और ये घटनाएं बार बार हो रही है। वारदात 16-17 नवंबर देर रात की है। बताया जा रहा है कि अपना दबदबा दिखाने के लिए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों का कहना है कि बदमाशों ने इलाके में दहशत फैला रखी है और रंगदारी वसूलने के लिए उन्होंने घर के सामने खड़ी पांच बाइक पर तेल छिड़क कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश पहले इधर उधर देख कर रेकी करते हैं, फिर बाइक को आग के हवाले कर देते हैं। 6 नवम्बर को भी बदमाशों ने एक बुलेट में आग लगा दी थी। चारों के चारों लड़के ऐसे भागे बुरी तरह से, यहाँ पत्थर मारा है, दो बार पत्थर मारे, जब तक तो हम लोग भागे हैं, जब तक तो फरार हो लिए सर, उसमें जाके कूद के बैठ गए और वहाँ के किसी को हमने शक्ल नहीं देख पाई मैंने। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। यूपी पुलिस एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रही है, लेकिन यूपी में अपराध कम होता नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरनगर में किस तरह से दो गुट आपस में भिड़ गए और बागपत में एक युवक को सरेआम किस तरह से पीटा गया, ये दिखाने के लिए काफी है कि यूपी में पुलिस का कोई खौफ नहीं। कोई बेल्ट से पिटाई कर रहा है, कोई डंडे पर सा रहा है, खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन बीच बचाव करने की हिम्मत किसी में नहीं। मुजफ्फरनगर में जानसर रोड फ्लाईओवर के नीचे दो गुट भिड़ गए। एक गुट के बदमाशों ने दूसरे गुट के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इसी बीच युवक वहां से गुजर रहा था तो बदमाशों का कहर इस पर भी टूट पड़ा। बाजार में घंटे भर तक दहशत का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच खेलने और मैच में लगी शर्त को लेकर विवाद बढ़ा, लेकिन सरेआम हुई मारपीट पर लोग खामोश हैं और पुलिस अनजान बनी हुई है। बेखौफ बदमाशों की एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बताया जा रहा है कि करनाल के बदमाशों ने बागपत के एक कारोबारी को अगवा कर लिया, उसकी बुरी तरह पिटाई की, उससे बदसलूकी की गई और फिर ये तस्वीरें व्हाट्सएप पर कारोबारी के घरवालों को भेजकर उनसे फिरौती के तौर पर 1 लाख रुपए वसूले गए। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक दूल्हा बड़े ही जोर शोर के साथ बारात लेकर बग्घी पर सवार हुआ, लेकिन दो बदमाशों ने उसे टारगेट बनाया और गोली मार दी। बैंड बाजे की आवाज में फायरिंग की आवाज गुम हो गई और जब खून से लथपथ दूल्हा बग्घी से उतरा तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मामला दिल्ली के मदनगिर इलाके का है, जहां सोमवार देर रात दूल्हे को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। गोली दूल्हे के कंधे में लगी और फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। मरहम पट्टी के बाद दूल्हे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। बग्घी पे बैठे हुए थे और तभी उसके गोली लगी है और उसी दौरान ही फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। बारात में दूल्हे पर फायरिंग की खबर से फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शादी समारोह से महज 500 मीटर की दूरी पर गोलीबारी हुई, इससे दुल्हन के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन दूल्हा गोलियों का निशाना क्यों बना इसकी वजह अभी तक साफ नहीं। और अब आपको दिखाते हैं मथुरा में किस तरह से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर साबित कर दिया जाकोरा खिसाइयां मार सके ना कोई। एक मासूम बच्ची प्लेटफॉर्म से नीचे गुजरती है, इससे पहले कोई उसे उठाता पूरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है और यहाँ हर कोई सांसें थामे ट्रेन के गुजरने का इंतजार करता रहा, क्योंकि इसी ट्रेन के नीचे फंसी थी एक मासूम की जिंदगी। झकझोर कर रख देने वाला ये वाकया मथुरा रेलवे स्टेशन का है। पूरी ट्रेन मासूम बच्ची के ऊपर से गुजर गई और बच्ची को खरोंच तक नहीं लगी। मौत से दो दो हाथ कर बच्ची सही सलामत लौट आई और उसके परिवार वालों के साथ साथ स्टेशन पर खड़े बाकी मुसाफिरों की जान में जान लौटी। वरना जिस तरह बच्ची ट्रैक पर गिरी थी उसके बाद करिश्मा ही कहेंगे कि अगर बच्ची आज महफूज है। बच्चे सही सलामत है, उनको चाय वगैरह पिलाया गया, महिला बेहोश हो गई थी तो उनको पानी के छींटे वगैरह मार करके उसमें लाया गया, दोनों सकुशल थे, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल ये बच्ची अचानक प्लेटफॉर्म से गिर पड़ी और ट्रैक के सिरहाने पर फंस गई। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बच्चों को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में अरविंद केजरीवाल पर उनके सचिवालय में उनके दफ्तर के बाहर हुआ मिर्ची अटैक। अनिल नाम के शख्स ने ये मिर्ची अटैक क्यों किया, क्या मंशा थी, अभी जांच जारी है। सचिवालय में केजरीवाल पर हुए मिर्ची अटैक के हमले की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम केजरीवाल कुछ अधिकारियों के साथ अपने दफ्तर में जा रहे हैं कि तभी दफ्तर के आगे इंतजार करता एक शख्स सीएम केजरीवाल की ओर बढ़ता है और उनके पैर छूता है। पैर छूने के बाद उस शख्स ने सीएम केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की। उस शख्स ने अपने हाथ में रखा मिर्ची पाउडर केजरीवाल की आंखों में डालने की कोशिश की। आसपास मौजूद अधिकारी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और केजरीवाल को बचाते हैं। इस धक्का मुक्की में सीएम केजरीवाल का चश्मा भी टूट जाता है। तो जानलेवा हमला करने के लिए अगर कोई वहां पहुंच सकता है तो ये बिना दिल्ली पुलिस की साजिश के संभव नहीं है और दिल्ली पुलिस के साथ साजिश बिना भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मिली। सीएम केजरीवाल पर हमले के पीछे साजिश थी या नहीं इसका खुलासा तो जांच के बाद होगा, लेकिन इस मामले ने सुरक्षा में सेंध तो लगा ही दी है। 1984 के सिख विरोधी दंगों में 34 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया। किस तरह से महपालपुर नाम के एक शख्स के हत्या के मामले में नरेश सहरावत और यशपाल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और सजाएं मौत दी गई।
दोनों दोषियों पर 35-35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने मामले पर संबंधित सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गृह मंत्रालय ने 2015 में 1984 के दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए SIT का गठन किया था, उसके बाद ये पहली सजा है। कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के महपालपुर इलाके में दंगों के दौरान मारे गए दो सिखों के कत्ल के इल्जाम में एक दोषी यशपाल को फांसी और दूसरे नरेश शेरावत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शेरावत और यशपाल सिंह पर दंगों के दौरान हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या का आरोप था। मेरे ससुर जी जो मरे हैं, पैसा देने से उनके मुंह नहीं बंद होते। हाय 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 हाय, कैसे मारे, बंद क्यों नहीं करवाए। सजा पर बहस के दौरान अभियोजन और पीड़ितों के वकील ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से रहम की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों के अपराध को बेहद गंभीर माना। घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। शोपिया में आज 4 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा गया, तो वहीं पुंछ में सीज़फ़ायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने एक बार फिर किया। शोपिया के नादिमा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई। रात में ही CRPF की 178वीं बटालियन RR और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, तो हिंद के शूरवीरों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुबह 10 बजे तक दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकियों की पहचान इनाम उल हक, मेहराजुद्दीन नजर, अबीद नजीर, बशारत नेगरू के तौर पर हुई है। सभी आतंकियों के हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का शक है, हालांकि इसकी पुष्टि होने अभी बाकी है। आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई के दौरान उनके कुछ पत्थरमार यारों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की। ऑपरेशन कर रहे जवानों की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए, लेकिन पत्थरबाजों की दाल गली नहीं और दहशतगर्दों का दी एंड कर दिया गया। उधर पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान ने ब्रिगेड मुख्यालय को निशाना बनाकर गोले दागे। ब्रिगेड मुख्यालय पर 3 गोले दागे गए, हालांकि भारतीय जवानों ने भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई के बाद स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। और सेना के वर्धा के आयुध डिपो में आज जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 3 जवानों सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 8 जख्मी हो गए। वर्धा में सेना का हथियार डिपो सोनेगांव अंबाजी में मौजूद है। पता जा रहा है कि पुराने विस्फोटक नष्ट करते वक्त यहां धमाका हुआ। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। नागपुर से करीब 115 किलोमीटर दूर ये सेना का आयुध डिपो एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। देश में हथियारों गोला बारूद का सबसे ज्यादा भंडारण यहीं पर होता है। यह करीब 7,000 एकड़ में फैला हुआ है। फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले हर तरह के हथियार और गोला बारूद पहले यहां आते हैं, इसके बाद दूसरे डिपो में उनकी सप्लाई होती है। यहां कई तरह के बम, शेल्स, मिसाइल, असॉर्टेड राइफल और दूसरे विस्फोटक सामग्री रखी जाती है। यहां साल 2016 में भी हादसा हुआ था, जिसमें 17 जवानों की मौत हो गई थी। और CBI सरकार विवाद लगातार जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज CBI के DIG ने जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं जवाब लीक होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जमकर फटकार लगाई। दरअसल रिश्वतखोरी विवाद में CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा की तरफ से कोर्ट में दाखिल जवाब पहले से ही लीक हो गया, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर अपनी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीलबंद रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर सीलबंद लिफाफे की रिपोर्ट लीक कैसे हुई। आलोक वर्मा के वकील फलेस नरबन ने इस पर हैरानी जताई कि वो बातें लीक कैसे हो गईं जिनको वो देर रात तक रिपोर्ट में लिख रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस और बेंच के दूसरे जज इतना नाराज हुए कि उन्होंने कह दिया कि आप लोग अभी सुनवाई के हकदार नहीं, इसलिए हम मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक टाल रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर कैसे CVC की रिपोर्ट और आलोक वर्मा का जवाब मीडिया में लीक हुआ, और क्या इतनी संवेदनशील रिपोर्ट का लीक हो जाना अधिकारियों की मंशा पर सवाल नहीं खड़े करता। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर मोदी प्रचार के लिए जुटे हुए हैं और झाबुआ पहुंचे, और जहां पर कांग्रेस पर तो निशाना साधा, लेकिन जानते हैं जीत की कुंजी आदिवासी वोट बैंक के हाथ में है, तो उनको भी रिझाने की जमकर कोशिश की। जब झाबुआ आते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम घर पहुंचे गए हैं। कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी ने खुद को झाबुआ से जोड़ने की कोशिश की। यहां के आदिवासी वोटर पर पीएम मोदी का खास ध्यान रहा। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की कुंजी रिजर्व सीटों में छिपी हुई है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बरवानी जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में 5 में से 4 सीट पर जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में SC ST के लिए कुल 82 सीटें रिजर्व हैं, जिनमें 2013 में बीजेपी को 59 पर जीत मिली थी। और पीएम जब झाबुआ पहुंचे तो शायद ये बात उनके दिलो दिमाग में छपी हुई थी, और इसलिए अगर पीएम के निशाने पर कांग्रेस थी तो आदिवासी वोटर की तारीफ के पुल बांधना भी वो नहीं भूले। पर्यावरण की रक्षा कैसे होती है उसके लिए आज इतनी चिंता करने की नौबत नहीं आती। अगर पर्यावरण की रक्षा करने का सामर्थ्य रहा है तो हमारे इन आदिवासी भाइयों में रहा है। झाबुआ के आदिवासी वोटर पर नजर कांग्रेसियों की भी है, इसलिए उसने आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने गुमान सिंह डामोर को मैदान में उतारा है। और जुर्म की दुनिया की खबरें देखते हैं। खबर क्राइम की। यूपी के झांसी में अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम से स्थानीय लोग भिड़ गए। नवाबाद इलाके में पथराव कर अफसरों और कर्मचारियों को उग्र भीड़ ने भगा दिया। भारी हंगामे के बीच पुलिस भी लाव लश्कर के साथ मौके पर दोबारा पहुंची। उधर झांसी नगर निगम के खिलाफ कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कानपुर में अवैध संबंध के शक में महिला हेड कांस्टेबल की उसके पति ने नृशंस हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद पति फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है।
नोएडा के सेक्टर 88 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश कैश लूट कर भाग रहे थे और पुलिस ने घेर लिया। इस दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान ललित के रूप में हुई है, जिस पर लूट, हत्या और डकैती के 12 मुकदमे दर्ज है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्कूल के पीछे भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें रिहायशी इलाकों में काफी दूर तक फैल गई, जिस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम के पसीने छूट गए। 16 घंटे में इस इलाके में आग लगने की दूसरी घटना है। आग लगने की वजह भी साफ नहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। और किस तरह से मंजू वर्मा ने, जो बिहार सरकार की पूर्व मंत्री हैं और बिहार बालिका शेल्टर होम कांड में लगातार उनका नाम उछल कर सामने आया था, आर्म्स एक्ट में फरार चल रही थी, आज नाटकीय के अंदाज में सरेंडर किया। मंजू वर्मा नाटकीय अंदाज में बुरका पहने कोर्ट पहुंची और सरेंडर किया। वो अपनी निजी गाड़ी से नाकर ऑटो से अदालत पहुंची, ताकि इसकी भनक किसी को न लगे। सरेंडर के बाद मंजू वर्मा की तबीयत बिगड़ गई, घबराहट से वो बार बार बेहोश हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों को बुलाकर उनकी स्वास्थ्य जांच कराई गई। बाद में कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से पूछताछ के लिए जब सीबीआई की टीम ने श्रीपुर गांव में छापेमारी की थी, तब उनके घर से कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। चंद्रशेखर वर्मा ने 29 अक्टूबर को मंझौल कोर्ट में समर्पण कर दिया था, लेकिन मंजू वर्मा फरार चल रही थी। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस को फटकार लगाई, जिसके बाद उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती शुरू करने के आदेश दिए गए और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। और आरबीआई और सरकार के बीच जो खींचतान चल रही थी, वो 9 घंटे की मैराथन बैठक के बाद लग रहा है कुछ सहमति बनी, क्या कुछ बिंदु निकल कर आए, देखिए आप इस रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई और सरकार की बोर्ड में कई बातों पर चर्चा हुई। मसलन आरबीआई ने बोर्ड से कहा कि एमएसएमई सेक्टर में लोन की सीमा को बढ़ाया जाए, 25 लाख तक के कर्ज वाले एमएसएमई सेक्टर में फंसे कर्ज के लिए अलग विंडो तैयार की जाए, ताकि उद्योग दिवालिया ना हो। केंद्रीय बैंक के पास जो 9.6 लाख करोड़ का रिजर्व है, इसमें से सरकार को 3.6 लाख करोड़ की राशि दी जाए, ताकि बड़े और फंसे प्रोजेक्ट को सरकार पूरा कर सके। हालांकि इस मामले पर आरबीआई का मत साफ नहीं, 21 में से 11 बैंकों को लोन देने के अधिकार उसे दोबारा दिए जाएं। इस मीटिंग में आरबीआई ने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखा, भारत सरकार ने भी इस पे कोई ऐसा टफ डिसीजन नहीं लिया या अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कही हो, ऐसा नहीं था। कुल मिलाकर आरबीआई और केंद्र सरकार ने भले ही आपसी विवाद सुलझा लिया हो, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह दोनों संस्थानों में टसल देखने को मिला, उसने सरकार की किरकिरी तो करा ही दी। क्या दिल्ली एनसीआर में होगी आर्टिफिशियल रेन? क्या पहली बार देश में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी? क्योंकि दिल्ली की आबोहवा इतनी जहरीली हो गई है कि आपकी हमारी जिंदगी के 10 साल कम कर रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर अधिकारी इस हफ्ते आर्टिफिशियल बारिश कराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हवा यूं ही जहरीली रही तो इस हफ्ते मौसम की दशा स्थिर होने पर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाएगी। कृत्रिम बारिश के लिए सिल्वर आयोडाइड को प्लेन या रॉकेट के जरिए बादलों में मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल नेचुरल बर्फ की तरह होता है, जिससे बादलों का पानी भारी होकर बरस जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पिछले 50 सालों से हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल रेन अभी तक नहीं करवाई गई है। चीन ऐसा देश है जिसने क्लाउड सीडिंग के जरिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश की। 2008 में 29वें बीजिंग ओलंपिक के दौरान भी चीन ने क्लाउड सीडिंग की। 21 जगहों पर मिसाइल के जरिए क्लाउड सीडिंग की गई, जिससे बारिश के खतरे को टाला जा सके, ताकि खेलों के दौरान बारिश रुकावट पैदा ना करे। और बारिश चल भी गई थी, लेकिन अब चीन ने क्लाउड सीडिंग से पॉल्यूशन कंट्रोल करना लगभग बंद कर दिया है। और खेल के मैदान की हर खबर स्पोर्ट्स का टुकड़। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। विराट ने किया ऐलान, सिर्फ जीत के लिए उतरेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया में वापसी की तैयारी में है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। पांड्या ने कहा वो रिकवर कर रहे हैं और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इंजरी सर ठीक हो रही है सर, इंजरी अभी प्रैक्टिस चालू है, धीरे धीरे बॉलिंग चालू किया है, बैटिंग चालू किया है, जैसे फिट होंगे वैसे वापसी आएंगे। आईसीसी से लगा पाकिस्तान को करारा झटका। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भारत से 447 करोड़ रुपए की मांग को खारिज किया। हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करते नजर आएंगे एआर रहमान। रहमान ने सोशल मीडिया पर हॉकी वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग शेयर किया है, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आ रहे हैं। 365 दिन में से 100 दिन कर्नाटक में सरकारी बाबुओं को मिलती है छुट्टी, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। आगे छुट्टियां कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक समिति का गठन करने का फैसला किया है। समिति कैलेंडर ईयर 2020 में छुट्टियों के लिए नए नियम बनाएगी। कर्नाटक में करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी जनता उनके काम से खुश नहीं। बताया जा रहा है कि लोग सरकारी दफ्तरों की छुट्टियों से खासे परेशान हैं। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों को साल में 98 दिनों की छुट्टी मिलती है, जिसमें 52 रविवार, 12 शनिवार और 34 त्योहारों की छुट्टियां हैं। No, there were decisions, there were suggestions that holidays, number of holidays to be reduced. अगस्त में ही कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री प्रियांक खड़गने ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग का सुझाव दिया था। साथ ही अनावश्यक सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या सीमित करने और दफ्तर का टाइम टेबल तय करने के लिए सीएम को चिट्ठी भी लिखी थी। किस तरह से पटना में 72 घंटे से तलाशा जा रहा है दीपक को, उसके लिए दुआएं हो रही हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
और अब बुध के सहारे दीपक के डूबने की थ्योरी को पलटा जा रहा है। जिस होल में 10 साल का मासूम गिरा था वहां से कनेक्टिंग कई लाइनों को रेस्क्यू टीमें खंगाल रही हैं ताकि कहीं से बच्चे का कोई सुराग मिल सके। पटना में इस इलाके में प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएम की टीमें भी पिछले 72 घंटों से दीपक का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं मिली। दिनों में जितनी हमको संभावनाएं लग रही थी हमने सारे प्रयास किए कि यहाँ से जहाँ पर मेन चैनल है उस पर जाने के बाद सर्च किया, यहाँ सर्च किया, इसका आगे चैम्बर नहीं था तो बीच में रोड को पंचर किया। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है परिवार वालों और लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। 17 नवंबर की शाम को दीपक खेलते वक्त फिसल कर गिर गया था, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं लगी। बाद में जब चीख पुकार मची तो बच्चा आंखों से ओझल हो चुका था। अब रेस्क्यू टीमों की मेहनत और ऊपर वालों की दुआओं के भरोसे जिंदगी की जंग लड़ी जा रही है। अहिंसा परमो धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख देने वाली जैन साध्वियों को आखिर क्यों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने की जरूरत आन पड़ी, आप जानिए। दरअसल जैन धर्म के इन साध्वियों ने बुरी नजर वालों से निपटने के लिए फैसला किया है। अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली साध्वियां छेड़खानी से बचने के लिए लाठी चलाना सीख रही हैं। सूरत के कैलाश नगर में 50 साध्वी एक खास ट्रेनिंग ले रही हैं। आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर के फैसले के बाद साध्वियों ने ये ट्रेनिंग शुरू की है। सूरत में कुछ दिनों पहले एक उपाश्रय में एक साध्वी के साथ छिड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की, लेकिन चंद घंटों में छूट गया, जिसके बाद जैन साध्वी इस तरह की घटनाओं का सामना करने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं। साध्वियों को एक खास ट्रेनिंग दी जा रही है आरएसएस की महिला विंग की महिलाओं द्वारा। ये खासतौर पर सर गर्दन जांघ पर वार करने का हुनर सीख रही है ताकि बदमाशों से निपटा जा सके। बेंगलुरु में दीपिका का ग्रैंड रिसेप्शन होना है उनके परिवार की तरफ से, लेकिन उससे पहले दोनों ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें साझा की, आप भी देखिए। जानते हैं बेंगलुरु कैसे पहुंची है जोड़ी, कैसे उनका ग्रैंड वेलकम, कैसी हैं रिसेप्शन की तैयारियां। बेंगलुरु में अपने रिसेप्शन में शामिल होने के लिए दीपिका रणवीर बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में दीपिका पादुकोण का मायका है, जहां उनके पिता प्रकाश पादुकोण दीपवीर के लिए कल रिसेप्शन देने वाले हैं। इस रिसेप्शन में परिवार के करीब रिश्तेदार और कुछ खास दोस्त भी शामिल होंगे। दीपवीर का दूसरा रिसेप्शन 28 नवंबर को मुंबई में होगा, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा देश के नामी गिरामी लोग भी शामिल होंगे। आपके प्लेन में बगल वाली सीट पर अगर कोई मोटा यात्री बैठ जाए तो दिक्कत तो होती है, लेकिन ब्रिटेन में एक शख्स के साथ जब ऐसा हुआ तो उसने हर्जाना मांग लिया। ब्रिटिश एयरवेज से एक यात्री ने सिर्फ इसलिए 10,000 पाउंड यानी करीब 9 लाख रुपए हर्जाने मांग लिए, क्योंकि फ्लाइट में उसके बगल में बैठे मोटे से यात्री की वजह से उसे जरूरत से ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। स्टीवन ब्रिटिश नाम का एक शख्स बैंकॉक से लंदन जा रहा था। स्टीवन को विंडो सीट मिली, लेकिन उसके बगल में करीब 140 किलोग्राम का एक यात्री बैठा था जो अपनी सीट पर फिट नहीं हो रहा था। क्रू मेंबर्स ने कई बार कहने पर भी सीट नहीं बदली और स्टीवन को मोटे से यात्री की वजह से चोट भी लगी, और अब स्टीवन ने ब्रिटिश एयरवेज पर कानूनी केस कर दिया है। ब्रिटेन में मोटे यात्री को लेकर अलग से कोई नियम नहीं है। भारत में डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यात्रियों के लिए इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया है। कितना भी मोटा या पतला व्यक्ति बिना किसी समस्या और अतिरिक्त पेमेंट के हवाई जहाज से उड़ान भर सकता है। अमेरिका में किसर से फल फूल रहा है गन कल्चर, और एक बार फिर शिकागो के मर्सी हॉस्पिटल में अंधाधुंध फायरिंग क्यों हुई? गोलियां बरसाता हुआ हमलावर हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में छिप गया और स्टाफ को हाथ ऊपर करके गाड़ी में बैठने को कहा। साउथ शिकागो में दिनदहाड़े गोलीबारी से चारों ओर हड़कंप मच गया। आनंद फानम ने पुलिस और स्वाट कमांडो का दस्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। शिकागो के बड़े अस्पतालों में से एक मर्सी हॉस्पिटल में एनकाउंटर से अफरा तफरी मच गई। हमलावर और सुरक्षा बलों के बीच करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। काफी देर तक चले मुठभेड़ में हमलावर भी मारा गया। अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग के पीछे आतंकी कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका में गोलीकांड की लंबी फहरिस्त है। साल 2018 में अब तक अंधाधुंध फायरिंग के 300 मामले सामने आए हैं। स्कूल, मॉल और हॉस्पिटल में फायरिंग के 190 मामले। साल 2017 में 346 बार गोलीकांड को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि अमेरिका की गन पॉलिसी सवालों के घेरे में है। दुनिया की हर खबर वर्ल्ड कट टू कट। मैक्सिकन प्रवासियों को पनाह देने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। फैसला ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की हार माना जा रहा है। सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आश्रय नियमों के खिलाफ जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू करने की बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि अमेरिका में सिर्फ उन्हीं प्रवासियों को पनाह मिलेगी जो कानूनी तरीके से देश में दाखिल हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। यमन की सेना ने ऐलान किया है कि हुती विद्रोह हमले रोक देंगे, लेकिन गठबंधन सेना के एशिया पर सऊदी अरब मिसाइल हमले पर विराम लगाए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सऊदी सेना पर रॉकेट से मिसाइल अटैक करने के आरोप लगे थे। चीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक दिव्यांग बुजुर्ग को सड़क पार कराने के लिए पुलिस वाले ने ट्रैफिक रोक दिया। दरअसल जिस वक्त ये शख्स सड़क पार कर रहा था, पुलिस वाला पेट्रोलिंग पर था।
नॉर्थ इंग्लैंड के ब्रायन में कोर्ट में एक सिरफिरे आरोपी की दलील सुनकर जज भी हैरान रह गए। सजा सुनाए जाते वक्त आरोपी ने कोर्ट में कहा कि एक साल पहले खुदकुशी करने के लिए वो बाउंसर से भिड़ गया था, जिसके बाद बाउंसर ने उसे पब से बाहर निकाल दिया। गुस्से में शख्स ने अपनी कार से पब के गेट पर ले जाकर टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बॉलीवुड की हर अपडेट सिनेमा कट टू कट। केदारनाथ का नया गाना का फिराना आज रिलीज हो गया। गाने में सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच मस्ती से भरपूर पल दिखाई दे रहे हैं। टकरा चुके हमसे मुसाफिर यूं तो वरुण धवन ने क्रेजी वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो चलते हुए ट्रेडमिल पर डंबल रखकर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कलंक फिल्म की शूटिंग में बिजी वरुण फिटनेस मेंटेन करने के लिए जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं। सिंगापुर के मदाम तुसाद म्यूजियम में अनुष्का शर्मा का वैक्स का स्टेच्यू लगाया गया है। सोमवार को इसका अनावरण खुद अनुष्का ने किया। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर हूँ।